हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे चुकंदर की सब्जी जो खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और काफ़ी हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और सुपर हेल्दी चुकंदर की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। चुकंदर की सब्जी बनानी है तो चुकंदर तो हमें चाहिए, तो हमने यहाँ लिए हैं 250 ग्राम। इनका वजन बता रहा हूँ मैं आपको, ये काटने के साफ करने के बाद इनका वजन है 250 ग्राम। और देखिए, हमने इस तरीके से जैसे पनीर के क्यूब्स काटते हैं ना, इस तरीके से इनको काट लिया है अच्छे से, और थोड़ा सा इनका छिलका होता है ऊपर का, वो भी छील लिया है। और तेल हमारा गर्म हो गया है, मैं यहाँ सरसों का तेल यूज ले रहा हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज में ले सकते हैं जो खाने वाला तेल होता है। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं, यह हमने काफी बड़े साइज की दो प्याज लिए, डाल देंगे और इनको हमने काफी बारीक काट लिया है। और साथ में इसमें एक आधा इंच हमने लिया था अदरक और चार से पांच ली थी लहसुन की कलियां, उनको इसमें कूट लिया, ये डाल देंगे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं एक टीस्पून, और इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक से दो मिनट हो जाए प्याज को फ्राई करते हुए। तो यहाँ हमने काफ़ी सारी मिर्च ली है, और ये तीखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कम तीखी है। अगर आप तीखी लें तो चार मिर्च से ज़्यादा नहीं लें। बीच में हमने इसके चीरा लगा लिया है, और करीब ये मिर्च हमारी 10 के आसपास ये डाल देंगे इसमें। और ये बिल्कुल तीखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं। और अगर आप तीखी यूज़ लेते हो तो चार मिर्च से ज़्यादा ना डालें। और जो हमारा चुकंदर होता है वो थोड़ा सा हल्का सा मीठा फ्लेवर देगा सब्जी बनने के बाद, तो इसलिए हरी मिर्च इसमें एक दो तीखी है और बाकी सब कच्ची हरी मिर्च है। तो अब हम करीब दो मिनट और इसको हाई फ्लेम पर चला लेंगे। ये हमने हल्की गोल्डन ब्राउन कर ली है प्याज को, और आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। अब इसमें डाल देंगे हमारे चुकंदर। अब इनको तेल के अंदर फ्राई करते तो पूरा तेल खराब हो जाता है, इसलिए मैंने तेल ज़्यादा डाला है, मैंने आपको बता दिया है। अब इनको अच्छे से करीब पाँच मिनट हम इस तेल में चलाएंगे इस तरीके से हाई फ्लेम पर। पाँच मिनट हमें इसे लगातार इस तरीके से हाई फ्लेम पर चलाना है इसको। पाँच मिनट बाद फ्रेंड्स देखिए, प्याज का कलर भी लाल हो गया है और हरी मिर्च भी थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी है। तो अब पाँच मिनट बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपकी ये जो चुकंदर की सब्जी है कोई भी खाने से मना नहीं करेगा एक बाइट खाने के बाद। अब सिंपली इसको हम ढक देंगे और गैस कर देंगे लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर रखे हुए पूरे पाँच मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और इन सब को हम निकाल लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तेल में, तो अब इनको निकाल लेते हैं हम। थोड़ा सा तेल निथार लेंगे और प्लेट में इस तरीके से सभी को निकाल लेंगे। और सभी चुकंदर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह जितने निकल सकती थी हमने निकाल दी इसके अंदर से। और अब इस जगह आप यहाँ तेल पूरा निकाल सकते हैं, एक टेबल स्पून रख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा यूज़ में लेने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कि हमने लिए दो टमाटर, और टमाटर आपको रेड नहीं लेने, हल्के से जो ऑरेंज कलर के होते हैं वो वाले टमाटर लेने हैं, वो डाल देंगे इसमें। और यहाँ गैस कर देंगे भाई हाई फ्लेम पर अब, और इनको अब थोड़ा सा तेल में करेंगे फ्राई। और बस टमाटर डालते ही डाल देंगे एक टीस्पून नमक, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। बस एक बार मिला लेते हैं, मिलाने के बाद में इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्च, यहाँ आप तीखा कम ले सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ पूरी एक टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून। थोड़ी सी डालेंगे इसमें तीन से चार पेज हल्दी, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर दरदरा का कुटा हुआ, एक टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, मिला लेंगे और डालेंगे इसमें चाट मसाला एक छोटा चम्मच, इस तरीके से मिलाने के बाद करीब इसमें डाल देंगे हम 200 ग्राम दही। दही आपको मीठा ही यूज़ में लेना है, खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से बबल आने तक चलाएंगे। तरीके से जैसे ही बबल आने लगे, जैसे ये बबल आ रहे हैं, उसके बाद
आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि हमारा दही नहीं फटेगा। अब इसमें हमारी ये चुकंदर डाल देंगे। अब मैं इस जगह एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको, आपके बच्चों को या आपके मिलने वालों को ये जो चुकंदर है ये कितना पसंद है और इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ और क्या किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है, खून तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है ये हमारा। तो मिला लेते हैं, और मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, तो जितने भी इसके गुण हैं वो इसी के अंदर हैं। तो बस इस तरीके से एक बार मिला लेंगे हम, मिलाने के बाद में, और बाद में आप ये जो तेल ऊपर आ रहा है ये भी निकाल सकते हैं। अभी इसमें हमने दही भी डाला है, तो अब इसको हम रख देते हैं ढककर फाइनल, और गैस कर देते हैं हमारी लो फ्लेम पर, और करीब 2 से 3 मिनट इसको ढका हुआ रहने देंगे। मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर रखे हुए, अब गैस कर देते हैं यहाँ पे हाई फ्लेम पर, ढक्कन को हटा लेते हैं। ये देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। देखिए क्या कलर आया है। इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पर तेल में गरम मसाला। अब मिला लेंगे एक बार, गैस कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स देखिए आप कितनी सुंदर सब्जी है और साथ में हेल्दी भी है। तो इतनी हेल्दी सब्जी का तेल क्या बिगाड़ेगा, और रोज़ तो आप इतना तेल नहीं खा सकते हो। और ये देखिए जो तेल है, ये देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए निकाल सकते हैं, ये जो साइड में आ रहा है, और आप चलनी में भी निकाल सकते हैं, और बाकी ये रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा इसको खाने में। मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, उसके जैसी लगेगी आपको खाने में। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हमारे जो चुकंदर है वो कितने कले हैं। ये देखिए, ये लिया हमने, और ये फॉक, ये देखिए कितनी आसानी से फॉक इसमें चली गई, सॉरी। और मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से कट गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले, और मैंने जो आपको पूछा है कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है हेल्दी उसे खाकर ख़त्म करते हैं।